हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे चैनल बेहतरीन टेक में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आरोग्य सेतु ऐप के रिगार्डिंग। जी हां दोस्तों, ये एक गवर्नमेंट ओन्ड COVID-19 के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के लिए बनाया गया ऐप है। आज आप इस वीडियो को आगे तक देखते रहिए ताकि आपको इसी ऐप के बारे में पूरी पूरी जानकारी मिल जाए। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। तो दोस्तों वीडियो अब शुरू करते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं इस ऐप की। तो जैसे कि आप अगर एंड्रॉयड यूजर्स हो तो आपको ये गूगल प्ले स्टोर में ये ऐप दिख जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो आरोग्य सेतु ऐप है। तो इस ऐप के अभी तक दोस्तों मोर देन 50 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हो चुके हैं और साथ ही साथ मोर देन 3 लाख रिव्यूज भी इसके आ चुके हैं आप प्ले स्टोर में। अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे जैसे आप नंबर देख पाओगे 3,15,846 और पूरा 50 मिलियन से ज़्यादा ये इंस्टॉल हो चुका है। तो दोस्तों ये ऐप यूज कैसे होता है और आपको क्या यूज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो मैं अभी इसको आपको पूरा डिटेल दिखाऊंगा ओपन करके कि कैसा ये यहाँ पे दिखता है। तो दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जैसे आप ऐप ओपन करते हो आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्शन का ऑप्शन आता है। जी हाँ दोस्तों, तो अभी मैं इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि दोस्तों ये जो ऐप है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का ऐप है, ये बेसिकली COVID-19 के रिगार्डिंग जो अवेयरनेस है उसको फैलाने के लिए भी आप यहाँ पे यूज किया गया है। और साथ ही साथ जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, तो अब वो कैसे काम करता है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों साथ ही साथ ये ऐप आपको सेल्फ डायग्नोज करने के लिए भी हेल्प करता है कि यहाँ पे अभी आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके बेसिस पे आपको ये बताया जाएगा कि आपको रिस्क कितना है COVID-19 से, तो उसका भी इन्फॉर्मेशन आपको इस ऐप के थ्रू मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको अभी जो गवर्नमेंट ई पासेस जो इश्यू करती हैं तो उसका भी डिटेल आपको इस ऐप के थ्रू मिल जाता है। तो जैसे आप ऐप ओपन करते हो तो आपको यहाँ पे एक मैसेजिंग टाइप आ जाता है कि यहाँ पे ईच वन ऑफ अस हैज द पावर टू हेल्प प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द कोरोना वायरस पेंडेमिक इन इंडिया। तो आप इसको नेक्स्ट करते जाओगे। तो अब बेसिकली दोस्तों जब ये ऐप काम कैसे करता है, तो इस पर आपको दो चीज़ों की परमिशन देनी होगी आपके फ़ोन से। सबसे पहले ब्लूटूथ और उसके बाद आपका लोकेशन। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों चीज़ को आपको 24 आवर्स ऑन करना होगा, या फिर आप जब भी बाहर निकल रहे हो किसी दूसरे पर्सन के कॉन्टैक्ट में आ रहे हो तो उस टाइम पर आपको इन दोनों का परमिशन अलाउ करना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद फिर जैसे आप आगे जाते हो तो ये कुछ बताता है कि आपको कैसे अलर्ट्स देता है, उन सब चीज़ें वो मैं आपको डिटेल में भी थोड़ी देर में बाद बताने वाला हूँ। अब सिमिलरली दोस्तों अब जैसे आप यहाँ पे आ गए तो अब सबसे पहले आपको करना होगा रजिस्टर। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे हम रजिस्टर करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे कैसे यहाँ पे परमिशंस, जो डिवाइस लोकेशन है, ब्लूटूथ है, एंड देन डेटा शेयरिंग, तो ये बेसिकली इन्हीं चीज़ों के ऊपर काम करता है। तो मैं इन सबको अभी एग्री करके अब यहाँ पे देखिए दोस्तों अलाउ लोकेशन, तो यहाँ पे मैं अलाउ ऑल द टाइम करता हूँ और यहाँ पे ये अलाउ हो गया। अब यहाँ पे हम अपना फ़ोन नंबर डाल के इसको सबमिट करते हैं। अब यहाँ पे एक OTP भी आएगा आपके पास। तो दोस्तों जैसे ही आप OTP सबमिट करते हो तो आपको सबसे पहले अपने बेसिक इन्फॉर्मेशन देना होगा इस ऐप को। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये पर्सनल डिटेल्स पूछेंगे, व्हाट इज़ योर जेंडर। उसके बाद आपको यहाँ पे फुल नेम पूछा जाएगा, तो यहाँ पे मैं अभी अपना नाम डाल देता हूँ। फिर आपको एज पूछेंगे, प्रोफेशन भी पूछेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप अपने एंड से दिखा सकते हो कि कौन से प्रोफेशन के अंडर आप आते हो। और अगर इनमें से दिया हुआ कोई भी ऑप्शन में आप नहीं आते हो तो आप नन ऑफ द अबव करके आगे बढ़िएगा। साथ ही साथ आपका पास्ट ट्रैवल हिस्ट्री भी, लास्ट 30 डेज का, कि आप कंट्रीज ट्रैवल आउटसाइड इन 30 डेज में अगर आप कहीं गए हो तो वहाँ पर आप ये अपना इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, अगर नहीं गए हो तो आप उस पर नन करके आगे बढ़ सकते हो। और दोस्तों अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ पूछा जाता है कि अगर आप रेडी टू वॉलंटियर इन द टाइम ऑफ नीड, ज़रूरत पड़ने पे क्या आप वॉलंटियर सर्विस भी देना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे ऑप्शन यस नो करके आगे बढ़ सकते हो। एंड देन फाइनली आता है फॉर्म या सबमिशन का कन्फर्मेशन, उसको हम सबमिट करते हैं। अब दोस्तों उसके बाद अब कुछ क्वेश्चन आपके हेल्थ के ऊपर आते हैं। तो जैसे आर यू फीलिंग वेल, तो इसमें मैंने यस किया। एंड देन फिर आपको यहाँ पे देने को मिलता है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे डिटेल्ड क्वेश्चंस होंगी आपके हेल्थ के रिगार्डिंग दोस्तों। तो जैसे आप सेल्फ असेसमेंट टेस्ट को ओपन करते हो तो आपको यहाँ पे
करेक्ट आंसर्स देने के लिए एक पॉपअप नोटिफिकेशन आ जाता है, तो आपको अपने हेल्थ के बारे में जैसा भी कुछ फील हो रहा होगा तो आप उसके रिगार्डिंग आप करेक्ट करेक्ट आंसर जरूर बताइएगा। तो देखते हैं अब ये कैसे काम करता है। तो सपोज पहले सबसे पहले यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि आपको अभी आइदर ऑफ कफ, फीवर, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, इन तीनों में से कुछ है या फिर नन ऑफ द अबव। तो अभी मुझे कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ पे नन ऑफ द अबव करता हूँ। फिर आपको हैव यू एवर हैड एनी ऑफ द फॉलोइंग, आपको कोई डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है या फिर लंग डिजीज है, तो इनका भी अगर आपको नहीं है तो आप नन ऑफ द अबव करोगे, अगर आपको है तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। फिर ऐसे ही स्टेप मूव होता जाता है। फिर आपको पूछा जाएगा दोस्तों कि हैव यू ट्रैवल्ड एनीवेयर इंटरनेशनली इन द लास्ट 14 डेज। तो उसका अगर आपने कहीं किसी दूसरी कंट्री विजिट किया है तो उस पर येस आएगा, अगर नहीं किया है तो उस पर आप नो कर दोगे। सिमिलरली विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाई टू यू। अब दोस्तों यहाँ पे ये है कि आई हैव रिसेंटली इंटरेक्टेड और लिव्ड विद समवन हु हैज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर COVID-19। अगर ये आप किसी से मिले हो जिसको ऑलरेडी ये COVID-19 हुआ हुआ है तो वहाँ पे आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे। उसके अलावा एक दूसरा ऑप्शन है कि जहाँ पे आप हेल्थ वर्कर हो या फिर आपने किसी COVID-19 पेशेंट को कंफर्म केसेस को विदाउट प्रोटेक्टिव गियर आपने यूज किया, हेल्प किया है, तो उसके केस में आप ये सेकेंड ऑप्शन चूज करोगे। अगर इन दोनों में आपको कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पे नन ऑफ द अबव सेलेक्ट करके आगे बढ़ोगे। सिमिलरली दोस्तों ये 3-4 क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको ये जो कन्फर्मेशन आ जाएगा नीचे कि योर इन्फेक्शन रिस्क इज लो, वी रिकमेंड दैट यू स्टे एट होम टू अवॉइड एनी चांस ऑफ एक्सपोजर टू द नोवल कोरोना वायरस। तो ये दोस्तों ये ऐसा आपको एक समरी टाइप दे देगा आफ्टर आपका सेल्फ असेसमेंट जब हो जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको लगता है कि आप कुछ टाइम बाद या फिर आपको कभी भी कुछ खांसी हो रहा है, बुखार हो रहा है, तब आप इस टेस्ट को ले सकते हो ताकि आपको कितना रिस्क है COVID-19 के रिलेटेड वो इस ऐप के थ्रू पता चल जाएगा दोस्तों। तो आप जैसे ही आप अपना असेसमेंट लोगे तो उसके बाद आपको ऐसा कुछ स्क्रीन में देखने को मिल जाएगा जहाँ पे आपको लो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन तो यहाँ पे दिखाई दिया और साथ ही साथ क्या क्या रिकमेंडेशन इनके एंड से आता है। तो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट को फिर से लीजिए या फिर मेंटेन सोशल डिस्टेंस जो कि अभी काफ़ी ज़रूरी हो चुका है, और आप इस ऐप को रेगुलरली चेक करते रहिए। दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे टिप्स रिगार्डिंग हाउ टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग उसका भी यहाँ पे दिया गया है कि आप ग्रीट विद अ नमस्ते इंस्टेड ऑफ हैंडशेक, अवॉइड सोशल गैदरिंग्स और कीप अ 6 feet डिस्टेंस फ्रॉम पीपल। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे एक जो कोरोना वायरस के रिलेटेड जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं या फिर स्पोर्ट पर्सनस हैं जिसके जिन्होंने भी वीडियोज़ बनाई है तो उनका भी यूट्यूब का लिंक भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो वीरेंद्र सहवाग है, यहाँ पे अमिताभ बच्चन है, और काफ़ी जो गवर्नमेंट के इनसे जो भी एडवाइजरी निकलती है तो उसके भी वीडियोज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको यहाँ पे COVID-19 डूज एंड डोंट्स, लर्न मोर अबाउट COVID-19, सेफ्टी मेजर्स अगेंस्ट COVID-19, तो इन सब का इन्फॉर्मेशन भी आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों जो PM केयर्स फंड है जहाँ पे आप अपना डोनेशन दे सकते हैं इफ़ यू वांट, तो उसका भी यहाँ पे डिटेल दिया गया है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड और कौन से बैंक है, तो उसको भी आप यहाँ से जाके आप अपना एंड से डोनेशन दे सकते हो। तो इस पे ये नहीं कि दोस्तों कि आपको कुछ एग्जैक्ट अमाउंट ही देना है, ये आपके ऊपर है, आप जितना भी आप डोनेट करना चाहते हो उतना आप कर सकते हो। अब दोस्तों साथ ही साथ अब ये तो हमने अभी कर लिया सेल्फ असेस जो आपको यहाँ पे ऊपर की ओर दिख रहा होगा। अब यहाँ पे दोस्तों एक अच्छी बात ये भी है कि आपको इस ऐप में जो रियल स्टेटस होगा COVID-19 के रिलेटेड तो वो भी रियल टाइम अपडेट्स भी मिल जाएंगे। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ तो अपडेट COVID-19 केसेस ओवरव्यू अपडेटेड 6 hours 49 minutes अगो। तो यहाँ पे अभी जैसे यहाँ पे हमें देखने को मिल जा रहा है कि अक्रॉस इंडिया 26,496 आर कन्फर्म केसेस। जी हाँ दोस्तों, आउट ऑफ 26,000 5,804 हैव रिकवर्ड एंड 824 डेथ्स हैव बीन रिपोर्टेड। तो आपको यहाँ नीचे की ओर पूरे स्टेट वाइज भी आपको यहाँ पे लिस्ट देखने को मिल जाएगा कि कितना स्टेट्स में कितना कन्फर्म केसेस है और कितने रिकवर हो चुके हैं प्लस कितने नंबर ऑफ डेथ्स हुए हैं। दोस्तों अपार्ट फ्रॉम कोविड अपडेट्स आपको यहाँ पे ई पास का भी अपडेट मिल जाएगा। तो अगर आपने ई पास इश्यू किया है और आपका अप्रूवल आ चुका है तो यहाँ पे आपको ई पास अवेलेबल करके दिखा देगा। फिलहाल मैंने कोई भी ई पास के लिए अप्लाई नहीं किया है तो इस वजह से मुझे यहाँ पे नो ई पास अवेलेबल दिखा रहा है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग काम कैसे करता है। तो इनिशियली जब स्टार्टिंग ऑफ द जब आप ऐप स्टार्ट करते हो तो उस टाइम पे आप 3 परमिशंस देते हो इसको। जी हाँ, तो सबसे पहले ब्लूटूथ का परमिशन देते हो आप, उसके बाद लोकेशन का देते हो, और उसके बाद डेटा शेयरिंग। तो डेटा शेयरिंग का मतलब आप जो भी इनपुट यहाँ पे देते हो, जो क्वेश्चंस के आंसर देते हो, तो उसका वो डेटा अपने सर्वर्स पे मेंटेन कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका ग्रीन पे आता है जहाँ की लो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है तो उस टाइम पे आपका ये डेटा सर्वर पे रिकॉर्ड नहीं होता, वो सिर्फ ऐप पे रिकॉर्ड
रिकॉर्ड होता है, और अगर आपका कहीं रेड इन्फेक्शन आ जाता है कि हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, तो उस टाइम पे उस डेटा को सर्वर पे रिकॉर्ड किया जाता है। एंड देन आप जैसे कहीं मूव करते हो तो उस डेटा को आप किसी दूसरे पर्सन पे अलर्ट के रूप में वो काम करता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये होता कैसे है कि सपोज आपके पास आप ये फ़ोन, इस पे आपका आरोग्य सेतु ऐप है और आपका ब्लूटूथ प्लस लोकेशन ऑन है। सिमिलरली जब आप कहीं मार्केट में जाते हो या फिर कहीं भी किसी भी जगह जाते हो, तो व्हेन आपके पास ये फ़ोन प्लस जो दूसरा फ़ोन किसी और के पास होगा उस पे भी ये ऐप इंस्टॉल होगा और वहाँ पे भी ब्लूटूथ प्लस आपका लोकेशन ऑन होगा, तो उस टाइम पे ब्लूटूथ टू ब्लूटूथ जो ये है ऐप डेटा शेयरिंग होती है। जी हाँ दोस्तों, तो एक जगह से दूसरी जगह दोनों स्मार्टफोन्स पे जो ऐप का है वो डेटा शेयरिंग होता है। तो उस डेटा शेयरिंग से अगर आपके दोनों फोन्स में, अगर या दोनों पर्सन्स में ग्रीन है, तो उसका मतलब आपको अलर्ट शो नहीं होगा। लेकिन अगर आपको एक फ़ोन में ग्रीन, आपका लो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है, और दूसरे फ़ोन में हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है, तो उस टाइम पे जिस पर्सन पे लो रिस्क है वहाँ पे एक नोटिफिकेशन शूट हो जाता है, आपको एक अलर्ट दिया जाएगा कि आपके सराउंडिंग्स में एक कोविड 19 रिलेटेड पेशेंट होगा या फिर जिसको हाई रिस्क ऑफ कोविड 19 है वो हो सकता है। तो बेसिकली ये आपका वही तीन परमिशन जो आप देते हो उसी के थ्रू ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग काम करता है। दोस्तों अब हम आ चुके हैं इस वीडियो के एंड तक। तो जैसे कि हमने आज डिस्कस किया आरोग्य सेतु ऐप के रिगार्डिंग, आपको अगर इस ऐप के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और साथ ही साथ अगर आपको आज का ये कंटेंट अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको आज के इस वीडियो में ओवरऑल क्या चीजें अच्छी लगी। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट्स लाता रहूं। और साथ साथ दोस्तों जाने से पहले मैं आपसे फिर से अपील करना चाहता हूं, आप अपने घर के अंदर ही रहे, स्टे होम स्टे सेफ।